लक्षावृतेषुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेज्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतंसमसिताम्बुरसुन्दराङ्गम् कन्दत्वकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि पञ्चास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिम्य विचिन्त्य दत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्त परमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सुप्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः श्रीमती अर्चना जी एवं श्री अनिल गुप्ता जी सपरिवार पोथी जी के पूजन के लिए उपस्थित होंगे, उनसे निवेदन है सपरिवार पोथी जी के पूजन के लिए पधारे। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेज्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दत्वकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गानि
यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय तदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मनोरथी परिवार, श्रीमती अर्चना जी एवं श्री अनिल गुप्ता जी परिवार से विनती है, पोथी जी के पूजन के लिए पधारे। हरि ओं मईदम विष्णुर्वीचक्रमेत्रे दानिदे पदम समो रमस्य पाग्गो सुरे स्वाहा विष्णोररा तमसि विष्णो स्तत्रेस्तो विष्णो स्युरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओं भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाट्वलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रेण नैवेद्यं जलेन संप्रोक्ष्य तुलसीदलेन संयोज्य देन्वा अमृतीकृत्य चक्रेण संरक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये पानीयं समर्पयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेषणोर्द्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकां कल्पयन्। पुनः ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। पूर्वोत्तर पोषणं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। वदनाम्बुजे आचमनीयं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे गंधपुष्पं वा नमस्कारान् समर्पयामि। रीमिति मंत्रेण दीपं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः। गंधपुष्पाभ्यां संपूज्य ओम इदग्गो हवेः प्रजननम् मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नम् पयोरेतो अस्मा सुधत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैः देवाभिवंदनम् हस्ताभ्यां देवाभिवंदनम्
स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलिः ओम जगनेन जगनमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विद्या बुद्धि धनैश्वर्यं पुत्र पौत्रादि संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं फलम् श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम् श्री भागवत भगवान की जय। आनंद चिन्मय तदुज्वल विग्रहस्य गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमात्मा के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के तेजस्वी और तपस्वी प्रवक्ता पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। इस कथा को श्रवण करने हेतु पधारे सभी भक्त जनों के अंतरात्मा में विराजते हुए परमात्मा को भी वंदन प्रणाम। अधिक मास अधिक सावन मास में इस पवित्र कथा का एक दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। ऐसा कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में किया गया हर सत्कर्म हर धर्म कार्य हर सत्संग का अधिक फल मिलता है। वैसे तो हर एक सत्कर्म का फल मिलता ही है, लेकिन इस अधिक मास में इसका फल अधिक मिलता है। ये परम सौभाग्य की बात है कि मुख्य मनोरथी श्रीमती अर्चना जी एवं श्री अनिल गुप्ता जी परिवार पर पूज्य गुरुदेव पूज्य भाई श्री की करुणामयी कृपा से इनको इस कथा का मनोरथी बनने का और हम सबको इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो गुरु होते हैं वो हमेशा हमारे घर की व्यवस्था को नहीं अपितु अपने शिष्यों की अपने सेवकों की अपने भक्तों की मन की अवस्था को देखते हैं। उनके लिए हमारे घर की व्यवस्था कोई मायने नहीं रखती, हमारे मन की अवस्था को वो देखते हैं। और गुप्ता जी परिवार के मन में जो भाव था, उनके प्रति जो पूज्य भाव था, जो आदर था, उनके चलते पूज्य गुरुदेव जी की उन पर कृपा हुई। इस बीच में खड़े हुए हमारे भक्तों से निवेदन है कि अगर आप कुछ काम में नहीं है तो आप अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। कथा का प्रारंभ होने से पूर्व हमारे इस कथा के मनोरथी भाई श्री अनिल गुप्ता जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस प्रसंग पर इस पावन अवसर पर अपने हृदय के भावों को प्रकट करें। श्री अनिल गुप्ता जी से निवेदन है अपने भाव प्रकट करने के लिए। सायकाल का सबको प्रणाम। सबसे पहले मैं परम पूज्य भाई श्री रमेश जी ओझा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा अनुग्रह स्वीकार करके हमें ये भागवत कथा प्रदान या ज्ञान यज्ञ प्रदान किया। इसके बाद मैं इस्कॉन के प्रबंध को और स्पेशली पीयूष गोयल जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस इतनी जल्दी में 8-10 दिन के अंदर ही इस आयोजन को व्यवस्थित करने में अपनी पूरी टीम लगाई और पूरा सहयोग दिया, और उनके सहयोग के बिना तो ये संभव ही नहीं था। फिर मैं अपने परिवार को, अपनी वाइफ अर्चना को, वेदिका और दिविज जिन्होंने पूरा
डेडिकेशन से पूरा टाइम लगाकर इस आयोजन को संभव बनाया। और लास्टली जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी मेरे बंधु बांधव मित्र और परिवार के अन्य सदस्य आए हैं, उनका धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पधार कर इस कथा को आनंदित किया। सो मैं मुझे लगता है कि अगले 7 दिनों की ये कथा हम सबको ज्ञान प्रदान करेगी और हमारा मन परिवर्तन करेगी। हमें प्रभु श्री कृष्ण जी और श्री राम जी के चरणों में हमारा ध्यान और बढ़ेगा, नारायण की हम और बढ़कर आगे स्तुति करेंगे। और इसी के साथ मैं भाई श्री जी को फिर प्रणाम करता हूँ और उनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, स्पेशली विमल जी और सुभाष जी, उन सबको भी नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। और इस्कॉन के सभी संत वृंद जो यहाँ विराजमान है उनको भी प्रणाम। ऐसा कहा गया है कि सत्संग से बढ़कर कोई सैनिटाइजर नहीं है और वृंदावन विहारी लाल से बढ़कर कोई वैक्सीनेशन नहीं है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होता है, लेकिन इस वैक्सीन को हमारे भीतर जो दाखिल करेंगे वो तबीब इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि वो वैक्सीन इफेक्टिव हो। ये जो सत्संग की वैक्सीन है वो पूज्य गुरुदेव जैसे तपस्वी साधक चिंतक और विद्वान हमारे शरीर में दाखिल करेंगे श्रीमद् भागवत जी के माध्यम में। आइए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनसे विनती करते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की इस पावन धारा को अपने श्रीमुख से हमें सुनाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। Thank you.
नमो भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै श्री गुरुभ्यो नमः वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणम् कुतस्ते
श्री द्वारकाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वट दध्यादिकं
Govinda Damodara.
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। यम प्रव्रजन् मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनुदुस्तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमा श्रीहरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम कारुणिक भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि के दिव्य चरण कमल में सदैन्य दंडवत निवेदित करते हुए व्यास जी का ऐसा कथन है कि भगवत कथा या तो कहीं तीर्थ स्थान में करें किसी पवित्र नदी के तट पर भागवत सत्संग हो या किसी देवालय की सन्निधि में
भगवान की मंगलमयी कथा हो। तो हम यहां जिस दिव्य देवालय की सन्निधि में बैठे हैं, इस्कॉन मंदिर में अभी हम दर्शन करके आए, द्वारकाधीश रुक्मिणी जी भगवान जगन्नाथ चैतन्य देव की गौड़ीय परंपरा और वो दिव्य देवालय में विराजमान सभी स्वरूपों को प्रणाम। आज हमारे मध्य पधारे पूज्य महाराज श्री स्वामी जी को प्रणाम, सभी संतों को वंदन। आप सभी भगवत कथा प्रेमी भाई बहन और यहाँ कथा में पाठादि में नियुक्त सभी वंदनीय विप्रवृंद, सबके रूप में विराजमान नमोस्त्वनंताय भगवान अनंत को प्रणाम। विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे sandipani.tv और अन्य सोशल मीडिया एवं धर्म संदेश और आस्था टीवी चैनल के माध्यम से देश और विदेश में जो लोग श्रवण कर रहे हैं, व्यासपीठ से मेरे इन सभी सत्संग प्रेमी श्रोताजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबको वंदन। जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, हरिओम, हरे कृष्ण। परम भगवदीय बहन अर्चना और परम भगवदीय श्री अनिल जी गुप्ता एवं परिवार के शुभ संकल्प से पवित्र पुरुषोत्तम मास में यहाँ द्वारका क्षेत्र में ये सप्त दिवसीय भागवत सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। कुछ समय से इस परिवार ने भी कथा के लिए प्रार्थना करी थी, मेरी जिस तरह से कथाओं में व्यस्तता स्वाभाविक रूप से रहती है तो बहुत जल्दी तो कथा देना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ और ये मेरी अनुभूति है और अब आप लोगों की भी ये अनुभूति निश्चित रूप से बनेगी कि मैं कथा करता हूँ, देता तो वो है, भगवान की जहाँ इच्छा होती है वहाँ पर कथा होती है। ये कथा कहीं अन्य जगह होनी थी, वहां पर नहीं हो पाई तो किसी और अन्य ने जो अर्जी लगाई थी और पहले उनका नंबर लगा तो उन्होंने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन फिर वहां से संदेश आया कि भाई श्री बहुत जहां पर कथा करनी है वहां पानी भर जाता है और यदि वर्षा में बहुत पानी वहां भर गया तो लोगों को जिस बड़ी तादाद में एकत्र करके कथा सुनाने का हमारा भाव है वो नहीं बन पा। पुनः मैं और मीनवाइल अनिल जी और बहन अर्चना की बहुत ज्यादा बार बार फॉलोअप फोन के माध्यम से, और मैं विदेश प्रवास में था, तो फिर मैंने ये कहलवाया, हालांकि वो इतने कम समय में तैयारी कर पाएंगे कि नहीं मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने कहलवाया
कि बहुत कम समय है, ये वाला समय बीच में खाली, संयोग ऐसा बना है, यदि इसमें कर लेते हो तो कर लो। और जैसे भूखे को भोजन मिले तुरंत वहां से, और कोई विचार नहीं, तुरंत बोले भाई श्री तैयार। मैंने कहा सुन लो, समझ लो, समय बहुत कम है, सब हो जाएगा भगवान की कृपा से, बस आप आओ। तो मेरे ख्याल से पता नहीं 15-20 दिन ही मिले होंगे वेदिका। और ये सब लोग लिख गए, और पवित्र पुरुषोत्तम मास में कथा का होना निश्चित रूप से ये भाग्य की ही बात होती है। तो सबसे पहले कथा के आरंभ में मैं आप लोगों के भाग्य की प्रशंसा कर लूं, और भगवान की जो कृपा आप लोगों पर उतरी है उस कृपा को प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि व्यास भगवान का वचन है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदये बहुजन्म समर्जिते, अनेक जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है, देखो पुण्य से ही कोई सुखी होता है, भाग्य से ही उसको संपत्ति समृद्धि संतति संतान ये सब प्राप्त होता है। लेकिन वो हमारे पुण्य का साधारण फल है, लौकिक फल है, जो भी कह लो। लेकिन किए हुए पुण्य सत्कर्म, और केवल आपके नहीं, आपके पूर्वजों के भी पुण्य, और केवल इस जन्म के नहीं, बहुजन्म समर्जिते न, अनेक जन्मों के परिवार के अनेक पुरखों के द्वारा और हमारे द्वारा किए गए जो पुण्य हैं, वो सारे पुण्य आपको जो लौकिक सुख है वो तो देते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सारे पुण्य मिलकर के अलौकिक फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात होती है। उस अलौकिक फल का नाम है यह श्रीमद् भागवत सत्संग। हमारे शास्त्रों में सत्संग को दुर्लभ बताया गया है, मानव देह दुर्लभ है, उसमें मुमुक्षा दुर्लभ है, और उसमें सत्संग महापुरुषों की संगति दुर्लभ। हो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ऐसा भागवत में एकादश स्कंद में हम लोग पढ़ते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य देह दुर्लभ है, जन साधारण को कुछ पड़ी नहीं है, मानव शरीर मिल गया, मानव जीवन मिल गया, लेकिन कितना बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है उस, और कोई जागृति उसका कोई महत्व है ही नहीं, और केवल संसार के विषयों में ही अपने मूल्यवान जीवन को लोग खपा देते हैं, जबकि बड़े ही पुण्य से मानव जीवन मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो, मानव देह दुर्लभ है, मानव जन्म दुर्लभ है,
अद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं जंतुनाम नरजन्म दुर्लभ मतः पुंस्त्वम ततो विप्रता। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये कितना बड़ा चांस मिला है, कितना बड़ा अवसर मिला है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इसका महत्व समझाते हुए निवेदन करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग मानुष तन पावा, मानुष तन पावा, मानुष तन पावा, मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत सुर दुर्लभ सत सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तन पावा, भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग बहुत भाग्य से मानव शरीर मिला है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं क्यों बड़े भाग्य से ये मिला है, दुर्लभ क्यों है। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ, देवों को भी ये दुर्लभ है। ये पढ़कर के सुनकर के थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि देवों को दुर्लभ। हम मनुष्य शरीर में देवों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ के द्वारा हम आराधना करते हैं, आहुतियां देते हैं, तो देव स्वाभाविक रूप से मनुष्य से ऊंचे हैं, विशेष है। और मानव शरीर की इतनी महिमा कि देवों को भी वो दुर्लभ है, निश्चित रूप से सुर दुर्लभ ग्रंथ ये कहते हैं। वास्तव में स्वर्ग के देवता भी पृथ्वी के मनुष्य बनना चाहते हैं, अर्जी लगा रखे हैं। देवता अपने पुण्य के फल स्वरूप सुख को तो भोग सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में उनका मन। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी देवताओं को स्वार्थी बता रहे हैं। आए देव सदा स्वार्थी, बोले बचन जनु परमार्थी।
वचन ऐसे बोले जैसे परमार्थी देव स्वार्थी। देवर्षि नारद तपस्या करे तो भी इंद्र को चिंता होने लगती है कि कहीं मेरा सिंहासन ये छिन्न न ले। भगवान नरनारायण तपस्या करते हैं बद्री में और इंद्र को चिंता मन में लग जाती है और अगले को गिराने की चेष्टा करते हैं। कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, वसंत आदि सहायकों को लेकर के और भगवान नरनारायण की तपस्या में, भगवान नरनारायण की तपस्या में भंग करने के लिए। तो भगवान नरनारायण को तो क्या काम कर सकता है अप्सराओं वसंत आदि, क्या प्रभाव भगवान के ऊपर पड़ सकता है। कामदेव बुरी तरह पराजित हुआ। नरनारायण को क्रोध नहीं, रामचरितमानस में भी देखो देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए भी इंद्रादी ने कामदेव इत्यादि को भेजा था और नारद की तपस्या को भी भंग नहीं कर पाए। और भयउ नारद मन कछु रोषा, नारद जी के मन में भी कोई रोष नहीं। हम बद्रिकाश्रम में जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं दर्शन करने, तो भगवान बद्री विशाल, भगवान नरनारायण और वहां नारद जी भी है। आप मंदिर के अंदर दर्शन करते, कुबेर जी, नारद जी, नरनारायण और भगवान बद्रीनाथ, तपस्या में रत है भगवान। तो भगवान नारायण को भी कोई क्रोध नहीं आया कि कामदेव तुम हमारी तपस्या को भंग करने की चेष्टा कर रहे हो। भोले बाबा ने तो तीसरा नयन खोला था और कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। जब कामदेव शंकर जी की समाधि को भंग करने के लिए गया, भगवान नरनारायण ने कोई क्रोध नहीं किया। वो लज्जित होकर के जब जाने लगे सब, तो भगवान नरनारायण ने रोका, कामदेव अरे प्यारे अतिथि बनकर आए हो, थोड़ा हमारा आतिथ्य स्वीकार करके तब जाओ। भगवान नरनारायण ने अपने उरु से, अपनी जंघा से एक ऐसी अप्सरा प्रकट करी जिसको उर्वशी कहते हैं। उर्वशी को देख करके, उर्वशी के सौंदर्य को देख करके कामदेव के साथ आई हुई सभी अप्सराएं लजाई कि हम सबसे बढ़कर के। और उर्वशी नामक यह अप्सरा भगवान नरनारायण ने कामदेव को दी कि मेरी ओर से इंद्र को भेंट करना, ये तुम्हारे स्वर्ग में बहुत लज्जित हुए। फिर इंद्र देवता भोगी है, डेमिगॉड्स जिसको कहते हो, भोगी, हमारी इंद्रियों के भी सभी देवता है, भोगी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों में उनकी आसक्ति है। देव शरीर से भी मानव शरीर इसलिए श्रेष्ठ है, ये बात कई बार कथाओं में हम लोगों ने चर्चा करी है कि तुलना करनी हो तो ये कर सकते हो, कह सकते हो कि देव शरीर मतलब चांदी और मनुष्य शरीर मतलब लोहा। निश्चित रूप से लोहे से चांदी की कीमत कई गुना ज्यादा है, लोहे से चांदी महत्वपूर्ण है। तो देव शरीर यदि लोहे की भांति है, मानव शरीर लोहे की भांति है और देव शरीर यदि रजत चांदी की भांति है,
तो देव शरीर की ही कीमत ज्यादा निश्चित रूप से ज्यादा है, इसलिए तो हम देवताओं की आराधना करते हैं। बात है चांस की, वो चांस इसका क्या मतलब है? आपको यदि कोई पूछे कि 100 किलो चांदी है 100 किलो लोहा है, क्या पसंद करोगे? स्वाभाविक रूप से सभी लोग 100 किलो चांदी ही पसंद करेंगे। तो देव शरीर या मानव शरीर क्या पसंद करोगे? तो देव बनना ही पसंद करेंगे लोग, क्योंकि देवताओं की सभी आराधना करते हैं, देवताओं की उपासना होती है। लेकिन चुनाव करो उसके पहले एक सूचना सुन लो, और वो सूचना क्या है कि देव शरीर चांदी की भांति है और मानव शरीर लोहे की भांति है, चुनाव तुम्हारा। लेकिन सूचना यह है कि पारस मणि से स्पर्श कराया जाएगा। ये सूचना सुनते ही जो लोग चांदी की ओर लपक रहे होते हैं उनके पांव को ब्रेक लग जाएगा। अच्छा, ऐसा है? तो भाई लोहे के पारसमणि के स्पर्श से सोना बन जाएगा वो। चांदी को पारसमणि का स्पर्श होए तो चांदी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन लोहा पारसमणि के स्पर्श से सोना बन जाएगा, तब तो फिर लोहा ही ठीक है। तो देव शरीर भले ही चांदी की तरह हो, मानव शरीर भले ही लोहे की तरह हो, लेकिन सत्संग रूपी पारसमणि का स्पर्श, हरि भक्ति रूपी पारसमणि का स्पर्श मानव जीवन को बहुत ज्यादा कीमती बना देता। इसलिए सत्संग का सुख स्वर्ग सुख से भी बढ़कर के है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। अरे यहां तक स्वर्ग सुख क्या, अपवर्ग यानी मोक्ष के भी सुख से बढ़कर के सत्संग का सुख है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। राजू के एक पल्ले में स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष का सुख रखा जाए और दूसरे पल्ले में एक क्षण के सत्संग का सुख रखा जाए, तो सत्संग के सुख, सत्संग के आनंद की बराबरी स्वर्ग और मोक्ष का सुख नहीं कर सकता। तो मानव जन्म दुर्लभ है, क्योंकि मानव जन्म में कुछ ऐसी संभावनाएं बनती है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। अतः दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। लेकिन याद रहे, मानव जन्म दुर्लभ तो है और वो तुम्हें मिला है, लेकिन सावधान, क्षणभंगुर है। ये क्षणभंगुर भी है। पानी में उठने वाले बुदबुदे की भांति है जिंदगी। बुदबुदे की आयु कितनी? हम उस समय को वैसे बार बार याद नहीं करना चाहते, भूल जाएं कोविड वाले टाइम को, और विशेष करके सेकंड वेव जो था, जो भयानकता हम लोगों ने देखी, पूरे विश्व ने देखी। चलता फिरता आदमी, हंसता खेलता आदमी, बस संक्रमित हुआ, कोई लड़ करके बच पाया और कोई, पूरे संसाधन प्राप्त थे
अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी, फिर भी अस्पताल से वापस जिंदा लौट नहीं पाया। हमने अपने कई स्वजनों को खोया, कल्पना नहीं कर सकते थे। क्षणभंगुर है जीवन, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। और रोग इत्यादि ना हो, कभी कोई अकस्मात, भगवान न करे इस प्रकार की अकाल मृत्यु का शिकार बनना पड़े किसी को। हम मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी का चरणामृत हम लेते हैं, वो साधारण जल नहीं है, ठाकुर जी का वो पादोदक, उसकी महिमा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम देव पादोदकम। ऐसा भगवान का चरणामृत सर्व व्याधि का विनाश करने वाला और अकाल मृत्यु को मिटाने वाला। जठरे धारयाम्यहम् कह करके उसका प्राशन करना चाहिए, आचमन लेना चाहिए। अचानक से चलता फिरता आदमी अकस्मात का शिकार और जीवन समाप्त। मैं तो अमेरिका में था, लेकिन यहां वो जो ट्रेन वाला एक्सीडेंट हुआ, अकस्मात हुआ, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोई भरोसा नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो, और ऐसा मानव जीवन मिल गया है हमें, लेकिन सावधान, क्षणभंगुर है ये जीवन। इसलिए ये सोचना कि अभी तो जवानी में मौज मार लो, बुढ़ापे में फिर सत्संग भजन करेंगे, ऐसा सोचने जैसी बेवकूफी दूसरी कोई नहीं। इसलिए सत्संग की जब जब बात आई शास्त्रों में, कथा श्रवण की बात आई, तो ऐसा थोड़ी ना कहा कि बुढ़ापे में फिर निवृत्ति काल में इधर उधर टाइम पास करने के स्थान पर कथा में जाओ, बैठो, हरि मंदिर में जाओ। ना, सनत कुमार कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या। प्रणाम। आप इतनी व्यस्तता से भी आए पधारे और आपकी कृपा सन्निधि थोड़े समय के लिए प्राप्त हुई, बहुत बहुत प्रसन्नता। प्रणाम प्रणाम स्वामी। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा सदा से किया है, नित्य सेवन करना चाहिए। क्यों भाई, रोटी रोज खाते हो, पानी दिन में इतनी बार पीते हो, और फेफड़ों में प्राण वायु तो हर क्षण भरते रहते हो, तो भजन बुढ़ापे में क्यों? सत्संग जब तुम्हें टाइम मिले तब। अरे रोज एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनी आध, तुलसी संगत साधु की। नित्य सत्संग करो, हमारे सदग्रंथ कहते हैं।
दीप सिखा समझुबति तन मन जनि होसि पतंग भज ही राम तज काम मद करही सदा सत्संग। सत्संग की बात आई, वहां सदा शब्द जोड़ा गया, नित्य सत्संग करो। क्यों क्यों ये क्यों ये पूछने का तुम्हें अधिकार है। हम कहां कहते कि मान लो जो भी कहा जाए, क्यों पूछो। भैया कुछ दवाइयां जो ले आते हो ना आप, तो उसको एक निश्चित टेम्परेचर में रखना होता है, ठीक है ना। दवाइयां बिगड़े नहीं इसलिए व्यवस्था है, सब्जियां फ्रूट्स बिगड़े नहीं व्यवस्था है, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, लंबे समय तक आप उसको संभाल के रख सकते हो, दूध ना खराब होए। तो दूध खराब ना होए, सब्जियां खराब ना होए, फल खराब ना होए, दवाइयां खराब ना होए, अन्न वो खराब ना होए। अमेरिका में तो बहुत सुविधा है, एक महीने का पका करके और फिर डीप फ्रीज में रख देते हैं, बाद में जिस दिन जो भी खाना हो गर्म करके खा लिया। तो इन सब को बिगड़ने से रोकने के लिए आपके पास व्यवस्था है कि दूध खराब ना होए, सब्जियां खराब ना होए, फ्रूट खराब ना होए, दवाइयां खराब ना हो, इंसान खराब ना होए, उसके लिए कोई व्यवस्था है। इंसान भी तो बिगड़ेगा, उसको बिगड़ने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था है। बोले हाँ है। क्या? बोले उसी का नाम है हरि कथा, उसी का नाम है सत्संग। रोज थोड़े समय के लिए, इसमें तो थोड़े समय, एक घड़ी आधी में पुनियाद, 24 मिनट, अड़तालीस मिनट, 24 मिनट, 12 मिनट, आधी में पुनियाद बहुत हो गया, इतना भी काफी है। और ये स्टडी के बाद सिद्ध हुआ है कि 10 मिनट्स पॉजिटिव थिंकिंग काउंटर बैलेंसेस ऑल द नेगेटिविटीज ऑफ योर होल डे। दिन भर की नकारात्मकता को केवल 10 मिनट का पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको हम प्रेयर कहते हैं, प्रार्थना, दिन भर की नकारात्मकता को वो 10 मिनट का पॉजिटिव थिंकिंग, 10 मिनट की प्रार्थना काउंटर बैलेंस कर देती है, उसको संतुलित कर, नकारात्मकता को संतुलित कर देती है। तो यदि इस प्रार्थना के क्षणों को, यदि सत्संग के इन क्षणों को आपने थोड़ा और बढ़ाया, तो आपके जीवन में नकारात्मकता, निराशा ये आ ही नहीं सकते। अतः कर ही सदा सत्संग। 20 मिनट मोबाइल चार्ज पर रख देते हो, चार्ज हो जाता है, फिर दिन भर उसको यूज करते हो, अरे 15-20 मिनट, 24 मिनट सत्संग करो और ऐसे चार्ज हो जाओगे। और यहां चार्ज करने का कोई चार्ज नहीं है, जस्ट स्टे कनेक्टेड और चार्ज हो जाओगे। तो मानव देह दुर्लभ, क्षणभंगुर है मानव जीवन, और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उसमें भी सत्संग ये अत्यंत दुर्लभ है। तो भागवत सत्संग हमें प्राप्त हुआ है, दुर्लभ मानव देह, उसमें भी
मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा, और मुक्ति की इच्छा होए तो मुक्ति का मार्ग बताने वाले ग्रंथ महापुरुष उनका संग सत्संग ये दुर्लभ है। पवित्र पुरुषोत्तम मास में हमें ये प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से ये भगवान की महती अनुकंपा। तो कथा कहाँ होनी थी, फिर कहाँ जा रही थी और कहाँ पहुंची, तो भगवान की ही निश्चित रूप से ये इच्छा है। और इसलिए आज हम सब इस सप्त दिवसीय सत्संग के लिए यहाँ पर समवेत हुए हैं। पवित्र पुरुषोत्तम मास है, भागवत में भी कथा है, मैं पहले वो सुनाऊं। महाराज मनु की 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। मनु हमारे आदि पुरुष, मनु से ही मनुष्य, हम सब मनु से हैं इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। या तो मनु से मानव, रघु से राघव, यदु से यादव, उसी तरह मनु से जो हुए वो मानव या मनुष्य। तो हमारे उस आदि पुरुष महाराज मनु के शत्रुपा से 3 पुत्री और 1 पुत्र हुए। 3 पुत्री आकुति, प्रसूति, देवहूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये भागवत की कथा, तृतीय स्कंद में ये कथा हम सुनते हैं। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ किया गया। आकुतिम रुचये प्रादाद, उससे यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ भगवान पर 24 अवतार में से 1 अवतार है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया, तो देवहूति से 9 कन्या और फिर साक्षात भगवान कपिल प्रकट हुए। आकुति ने यज्ञ पुरुष भगवान को प्रकट किया, देवहूति ने कपिल भगवान को प्रकट किया। सांख्य शास्त्र के ये आचार्य हैं, हमारे यहां 6 दर्शन है और 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और इन 6 दर्शनों में अधिकांश सभी विद्वान ये मानते हैं कि सांख्य दर्शन सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन, सबसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन। भगवान कपिल ने मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। आकुति से यज्ञ पुरुष भगवान, देवहूति से कपिल भगवान, और 3री पुत्री प्रसूति, उसका विवाह दक्ष के साथ किया। 16 कन्या हुई, 16 में से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ किया। फिर बची 3, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ, स्वधा पितरों को और सती शंकर को। इसलिए स्वाहा शब्द से अग्नि में आहुतियां पड़ती है देवताओं के निमित्त। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय, इदं नमः, वरुणाय स्वाहा, इदं वरुणाय,
इदम नममा। और स्वधा शब्द से पितरों का तर्पण होता है। देवताओं को आहुति देने में अग्नि की जरूरत पड़ती है, अग्निमुख है, और अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक आहुति पहुंचती है। अग्निदेव पहुंचाते, अग्नि में आहुति और फिर वायु देवता तक बात पहुंचती है। जिसके निमित्त आपने अग्नि में आहुति डाली है उस देव को वो आहुति पहुंचेगी। एड्रेस सही होना चाहिए, ईमेल आईडी सही से टाइप किया और सेंड किया तो उस व्यक्ति को ईमेल मिल नहीं वाला। आपने जिस देवता के निमित्त आहुति डाली है उस देवता को वो आहुति पहुंचेगी। आज इंटरनेट के जमाने में हम जी रहे हैं तो ये बात समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले का इंटरनेट, ये वाला जाला, वो पहले से ही बना हुआ। तो स्वाहा शब्द से अग्नि में आहुति और देवों को अर्पण, देवों को समर्पण होता। वहां अग्नि तत्व का महत्व है और पितरों का तर्पण स्वधा शब्द से वहां जल की महत्ता। पितरों का तर्पण करना हो तो जल चाहिए और पितृ तीर्थ से हाथ में कुशा लेकर के, और उसकी निश्चित विधि है, तद अनुसार जल भर करके पितृ, इसको कहते हैं पितृ तीर्थ, अंजलि भर करके दाहिने अंगूठे से जल छोड़ना। इदम जलम तस्मै स्वधा नमः वा तस्यै स्वधा, दादी माँ को दिवंगत हो गई हो और उसको याद करके जल देना हो तो उसको याद करके अमुक गोत्र और नाम दे करके, माता हो तो ठीक है, नहीं तो माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, पिता हो तो ठीक है, नहीं तो पिता को, पितामह को, प्रपितामह को, वृद्ध प्रपितामह को आहुतियां दी, अंजलि दी जाती, वो स्वधा शब्द से दिया जाता। इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसलिए अग्नि में देवताओं के निमित्त समर्पण और जल से पितरों के निमित्त तर्पण, ये स्वधा शब्द से। तो स्वाहा अग्नि को, स्वधा पितरों को, और सती शंकर को ब्याही गई, और सती को कोई संतान नहीं थी, और फिर सती पिता के यज्ञ में जाकर के, दक्ष के यज्ञ में जाकर के उसने अपना देह जलाकर राख कर दिया था, वो कथा। और फिर दक्ष यज्ञ की कथा भागवत के चतुर्थ स्कंद में धर्म प्रकरण में है। आप सब लोग भागवत पढ़ते ही हैं, कई बार आप लोगों ने भागवत सुनी है, लेकिन मैं जो यहाँ पर सुनाऊंगा वो केवल आपका मनोरंजन करने के भाव से नहीं सुनाऊंगा। मैं समझता हूँ कि आप भागवत को स्टडी करो, थोड़ा भागवत में प्रवेश करो, इसको थोड़ा सीरियसली लो। भागवत केवल भजन गाने के लिए नहीं है, केवल नाचने के लिए नहीं, वो तो करेंगे हम, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेट मी टेल यू, संकीर्तन करना, भजन, ये तो सब आनंद हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन भागवत का जो मूल तत्व है उसको ही हम खो देंगे तो कैसे चलेगा। ये केवल सात्विक मनोरंजन नहीं है। तो स्टडी कर रहे हो, पवित्र पुरुषोत्तम मास में आपको अवसर मिला है और गुप्ता परिवार को भगवान ने निमित्त बनाया है, तो हम सब लोग 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करेंगे। तो दक्ष और प्रसूति से जो 16 कन्या हुई उसमें 13 धर्म को
धर्म को 13 क्यों, अब इसके ऊपर चर्चा करनी है। मैं केवल कथा नहीं सुनाऊंगा, उस कथा के पीछे रहस्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, जो आचार्यों ने स्पष्ट किया है। गौड़ी परंपरा के आचार्यों ने बहुत सारी बातें स्पष्ट करी है भागवत को लेकर के। श्रीधर स्वामी की टीका है, श्री वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी जी है, और इस प्रकार से चित्सुखी आदि कई टीकाएं हैं भागवत के ऊपर। उन आचार्यों ने भागवत की एक एक लीलाओं का रहस्य प्रकट किया। धर्म को 13 कन्या क्यों दी, बोले इसलिए कि साल के 12 महीने, एक वर्ष में संवत्सर 12 महीने, इसलिए 12 कन्या पहले, क्योंकि धर्म 12 महीना आचरण करने का विषय है। ये नहीं कि श्रावण में तो बहुत आचरण किया और भादव में भूल गए। नवरात्रि में देवी मां का आराधना किया, 9 दिन तक। आप सब लोग तो वैष्णव हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई होती है ना, वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, लेकिन वो भी फिर नवरात्रि में 9 दिन तो छुएंगे नहीं उन चीजों को, और बड़े गौरव के साथ और संतोष के साथ कहते हैं कि हम 9 दिन तो वो खाते नहीं हैं, वो नहीं पीते, हम उससे दूर रहते हैं। तो 9 दिन के लिए रह सकते हो तो पूरा साल क्यों नहीं रह सकते हो प्यारे? बिना वो खाए पिए 9 दिन आराम से आप रहे ना, तो जिंदा रहने के लिए वो खाना और वो पीना जरूरी है क्या? 9 दिन से शुरुआत करो और फिर इसको फैलाओ, और अपने आप को कहो कि यदि मैं 9 दिन रह सकता हूं तो मैं पूरा महीना क्यों नहीं रह सकता। तो फिर पूरा महीना ट्राई करते, पवित्र पुरुषोत्तम मास है, 1 महीना कुछ न छुएंगे, न खाने योग्य नहीं खाएंगे, न पीने योग्य नहीं पिएंगे, और 1 महीना भगवान की भक्ति के चलते निकल गया, आपने संयम बरता, तो फिर आगे चल करके उस साधना का फल यह है कि मन में विचार आवे कि यदि मैं 1 महीना रह सकता हूं तो मैं 12 महीना क्यों नहीं रह सकता। तो गलत खान पान छूट जाएगा, धीरे 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 जीवन में दिव्यता आना शुरू हो जाएगा, और उसी तरह धीरे 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 फिर जो तामसी आहार है उससे भी निजात मिलना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे कहेंगे नो ऑनियन, नो गार्लिक, नथिंग, ये के इस्कॉन वाले साधक, तो उनको किसी ने कहा कि आओ पधारो, क्या लेंगे, कॉफी चाय? बोले नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं लेते। अरे बोले कॉफी चाय में क्या तकलीफ है? बोले ना हम नहीं लेते। क्यों? बोले हमारे कृष्णा नहीं पीते कॉफी, हमारे कृष्णा चाय नहीं पीते, वो दूध पीते हैं, और जो हम श्री कृष्ण को ऑफर नहीं कर सकते, जो कृष्णा नहीं ले सकते, वो हम नहीं लेते। सिंपल, भक्ति ही वो फोर्स है जो आपको छोड़ने लायक सभी चीजों को छोड़ने की शक्ति देती है। यूं 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 छूटता चला जाएगा कि यदि मैं 1 महीने तक रह सकता हूं तो 12 महीने तक भी रह सकता हूं। तो धर्म 12 महीना आचरण करने का विषय है, ये नहीं कि केवल श्रावण में आचरण किया और भादव में फिर से वही बिना ब्रेक की गाड़ी, कोई संयम नहीं, उच्छृंखल जीवन जियो। आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में हम ये पाठ करते हैं, आचरण का नाम धर्म है। तो 12 महीना धर्माचरण करना है, इसलिए धर्म को 12 कन्या, लेकिन भैया किसी किसी साल में 13 महीने लगते हैं, जैसे इस साल में 13 मास होता है, 1 मास अधिक होता है,
इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं। अब की बार श्रावण अधिक है, कौन नक्की करता है? यह पहली बात तो यह कि हर तीन महीने में अधिक मास क्यों आता है? एक कैलेंडर चलता है सूर्य के अनुसार, एक कैलेंडर चलता है चंद्र के अनुसार। चंद्र के अनुसार जो कैलेंडर चलता है उसमें हर साल 11 दिन और कुछ एक घंटे का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सूर्य की गति चंद्र की गति। तो हर तीन साल के बाद वो संगति बैठानी पड़ती है सूर्य के कैलेंडर और चंद्र के कैलेंडर में। तो एक महीना चंद्र के अनुसार चलने वाले लोग इसमें ज्यादा ऐड कर देते हैं अधिक मास, ताकि वो कैलेंडर ठीक हो जाए। कितने लोग संगीत जानते हैं, शास्त्रीय संगीत जानते हैं? उनको पता है कि सम पे बजाने वाला और गाने वाला वहां पर मिलना चाहिए, और कभी कभी सम पर आने के लिए तिहाई दे करके सम पर आ जाते हैं। तो ये अधिक मास जो है ना, वो काल का सम है, सम पे आ गए। जो संगीत जानते हैं उनको पता है। डेमोन्स्ट्रेट करें, आपको बताएं? हाँ भाई चलो। ये सम जाने वाले गाने वाले यहां सम पे मिलने चाहिए, तब संगीत का अपना मजा है। तो अधिक मास उसको कह सकते हैं ना, ये समय का सम है। यहां पर सूर्य कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर की संगति बैठ जाती है एक साथ। लेकिन कौन सा महीना अधिक महीना बनेगा, ये कौन नक्की करता है? श्रावण अधिक क्यों है? बोले सूर्य कैलेंडर के अनुसार हर महीने में सूर्य की संक्रांति होती है, अलग अलग राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य नारायण। जिस महीने में सूर्य की संक्रांति ना हो वो अधिक मास है। तो ये वाला जो महीना है उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं है, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जा रहे हैं, सोलह अगस्त तक चलेगा अधिक मास, और उसके तुरंत बाद सूर्य संक्रांति बनेगी। 18 से शुरू हो गया, 18 से ठीक पहले सूर्य ने संक्रांति करी। किस राशि में? कर्क राशि में है सूर्य नारायण, ठीक है ना? संक्रांति कौन सी राशि में है? तो जिस महीने में सूर्य की संक्रांति ना हो वो अधिक मास है। तो अब की बार इस श्रावण में सूर्य की संक्रांति नहीं है, इसलिए ये अधिक मास। तो अधिक सीधा साधा अर्थ है एक्स्ट्रा, अधिक। इसका दूसरा नाम मल मास, इसलिए इसमें कोई शुभ प्रसंग का आयोजन नहीं होता। गृह प्रवेश करना हो, शादी करनी हो, या इस प्रकार के कोई शुभ कर्म इस मास में नहीं होते। लेकिन इस मास में जो भी भजन किया जाएगा,
भक्ति से संबंधित बात, सत्संग, जप, तीर्थयात्रा, जो भी पुण्य कार्य किया जाता है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ समय है, क्योंकि उसमें ये माना गया है कि ये मास इस समय में विशेष फल प्रदान करने वाला है, अधिकस्य अधिकम फलम। इसलिए ये समय है कि इसमें कथा सुनो, इसमें तीर्थ यात्रा करो, इसमें भगवान की रोज पूजा करो, नित्य विष्णु सहस्रनाम भगवान नारायण को तुलसी से सहस्रार्चन करो, भागवत जी का पाठ करो, आपके इष्ट मंत्र का जाप करो। ये वो समय है और उसका बहुत अनंत गुणा फल है। देश और काल उसका बड़ा महत्व होता है साहब, इसलिए आप पूजा करो, यज्ञ करो तो उसके पूर्व हाथ में जल लेकर के संकल्प लिवाया जाता है और उस संकल्प में देश और काल का संकीर्तन किया जाता है। अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे, काल का संकीर्तन हुआ, अब देश का संकीर्तन, भारतवर्षे भूर्लोके दिल्ली नगरे, द्वारका, ये क्या यहां का द्वारका है ना ये विस्तार, और फिर कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा शालिवाहन शक चल रहा है, उसमें ये उत्तरायण है कि दक्षिणायन, उसमें कौन सी ऋतु चल रही है, उस ऋतु के अंतर्गत कौन सा मास चल रहा है, उस मास के अंतर्गत कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष, उस पक्ष के अंतर्गत कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, उस दिन सूर्य चंद्र किस राशि में स्थित है, ये सब हमारे जो पंडित लोग होते हैं वो बोलते हैं। देश और काल जैसे स्पेस एंड टाइम, और टाइम एंड स्पेस उसका इतना महत्व है, तो स्थान का विशेष महत्व। अभी अभी हमने कहा ना, या तो तीर्थ में, या तो देवालय की सन्निधि में कथा हो, या नदी के तट पर कहीं कथा हो, उसका विशेष महत्व स्थान और समय। ओ अधिक मास हो तो क्या कहना, ये टूरिज्म वाले होटल बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए कुछ समय पिक पीरियड होता है उसके बिजनेस का, तो आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए यह पिक पीरियड है, यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय में कोई भी वक्ता, कोई भी ब्राह्मण फ्री नहीं होता। हाँ, अत्यंत व्यस्त, क्योंकि यह समय ऐसा है। तो देवालय की सन्निधि और फिर अधिक मास जैसा पवित्र पुरुषोत्तम मास का समय, ये 13वीं कन्या दिया है दक्ष ने धर्म को, धर्म की उस मूर्ति नाम की पत्नी से नरनारायण भगवान प्रकट हुए। भागवत में जो कथाएं हैं उन कथाओं के पीछे एक संदेश है, संदेश कहानियों के रूप में जब सुनाया जाता है सरल हो जाता है, समझ में आ जाता है और याद रह जाता है, उसको भूल नहीं सकते आप, इसलिए ये कथाएं हैं।
जलेबी तुमको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन जलेबी के माध्यम से घी जाए तुम्हारे शरीर में, मेन बात यह है। पौष्टिक आहार लो, जलेबी जितना पैसा नहीं है तो घी में, खिचड़ी में घी डाल करके खाओ। रोज रोज खिचड़ी अच्छी नहीं, रोटी तो रोज खाते हो, चुपड़ो, चुपड़ी हुई रोटी खाओ, घी अमृत है। हमारे बड़ों ने तो कहा बिना घी का भोजन वो वंद्य भोजन है, बिना घी का भोजन नहीं करना चाहिए। घी नारायण स्वरूप है, घृत अवश्य थोड़ा लेना चाहिए। डॉक्टर कहते रहेंगे डरना नहीं, इसका मतलब वॉकिंग भी करना, शारीरिक श्रम की भी जरूरत है। डॉक्टर इसलिए मना करते हैं कि अब तुम हिलते डुलते नहीं हो, सोफा में बैठे हुए बस हाथ में रिमोट कंट्रोल और सर्फिंग कर रहे हो चैनल्स, कोई शारीरिक श्रम नहीं। फिर डॉक्टर कहेंगे अब घी मत खाओ, हाई कोलेस्ट्रॉल है। एक जमाना था कि लोग सब काम खुद ही करते थे, शारीरिक श्रम था, तो घी पचाने की भी ताकत थी, तो बिना घी के भोजन नहीं। हमारे यहां हम आहुतियां देते हैं तो घृत आवश्यक है। समिधाएं भूत द्रव्य सब कुछ नहीं डाल सकते, जिससे यज्ञ संपन्न करना है वो सामग्री पवित्र हो। प्यारे भाई बहन आप समझो, ये आप भोजन भी कर रहे हो ना तो वो यज्ञ ही है। आपका शरीर वेदिका है, हवन कुंड, आपके पेट में जो जठराग्नि है उस अग्नि में आप भोजन कर रहे हो, मतलब आहुतियां दे रहे हो। खुद खाना हो तो देखो अनिल जी ऐसे जाएगा ना हाथ मुंह में, लेकिन भगवान को जिमाना है तो सीधे हाथ, जब किसी और को आप निवाला देते हो मुंह में तो ऐसे थोड़ी ना दोगे, ऐसे देते। इसलिए प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, पंच प्राणों को पंच आहुतियां दी जाती हैं। जिमना भी यज्ञ है, किसी को जिमाना यज्ञ करना, भोजन यज्ञ है। अरे भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं प्रत्येक कर्म को यज्ञ भाव से करो, यज्ञ की ऊंचाई तक पहुंचाओ। जो कर्म यज्ञ की ऊंचाई को प्राप्त नहीं है, यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म है वही तुमको बांधते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। क्या अद्भुत बात है गीता की। यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म है वही मनुष्य को बांधते हैं, इसलिए प्रत्येक कर्म को यज्ञ बनाओ। बहने माताएं जो भोजन तैयार करें रसोई में वो भी यज्ञ भाव से करें। आप लोग अपने दफ्तर में ऑफिस में जाकर के जो कर्म करते हो वो भी यज्ञ भाव से करो। ये हम यहां से जो बोल रहे हैं और यहां ये जो हो रहा है सत्संग भागवत कथा हो रही है ये यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। क्यों? एक एक श्रोता जितने बैठे हैं यहां सब हवन कुंड है, और तुम्हारे भीतर यदि जानने की आग एकदम प्रज्वलित हो, जिज्ञासा लेकर बैठे हो, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, मोक्ष की आग तुम्हारे भीतर है, मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा। भैया आग तो तुम्हारे भीतर है, पातुम इच्छा पिपासा, वो है इसलिए पैसा कमाने में लगे हो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन पैसा कमाने की प्यास ही न हो वो क्यों कमाएगा,
वो क्यों उद्योग करेगा? बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, भोग भोगने की इच्छा है इसलिए भोग भोग रहे हो। जानाति इच्छति करोति, ये क्रम है। जानता है, चाहता है और करता है इंसान। जानता है कि पैसे की क्या अहमियत है और पैसा कमाना कितना जरूरी है। जाना, छोटे बच्चे के मन में कुछ नहीं है, पैसा क्या है पता ही नहीं है। लाला के हाथ में दोगे 500 का नोट तो यूं करके मुंह में ही डालेगा, वो नहीं जानता कि ये पैसा है, इसकी ये कीमत है। जब तुमने जाना तो फिर तुमने इच्छा की, कमाना है, वेल्थ क्रिएट करना है। और जब ये इच्छा करी तो इच्छा की पूर्ति के लिए काम पे लग गए, करोति बिजनेस, उद्योग करने लग गए। तो जाना थी, इच्छति करोति, इसलिए ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीन शक्ति है जिससे तुम्हारा जीवन चलता है। यहां ये सब चर्चा करने वाला हूं क्योंकि जेंट्री वैसी है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू यू अंडरस्टैंड इट एंड यू आर रिसीविंग इट वेरी वेल। मैं ठीक कर रहा हूं? पढ़े लोग ही और इस तरह के लोग बैठे हैं यहां सामने, थोड़ी कथा उस हिसाब से होगी। कल प्रिय अनिल जी बोले थे, पूछ रहे थे कि किस तरह से आप करने वाले हो। मैंने कहा मेरे सामने जिस तरह से लोग बैठे मिलेंगे उस तरह से कहेंगे, जैसे श्रोता। तो जानाति इच्छति करोति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीन शक्ति है और उससे पूरी दुनिया चल रही है। तो आप समझो, अभी आप जो सुन रहे हो आपके अंदर एक आग है, इसलिए तो आए हो और यहां बैठे हो। ये बताओ, आप में से किसी के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती हुई, कोई घर पे पकड़ने आया और जबरदस्ती पकड़ करके लाया और यहां बैठे हो तो अपनी इच्छा से बैठे हो ना? आए अपनी इच्छा से हो, बैठे हो अपनी इच्छा से, सुन रहे हो अपनी इच्छा से। ये आग है जानने की। तो जितने लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति हवन कुंड है और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। वो जो जानने की आग है वही अग्नि है और हम जो बोल रहे हैं वो आहुति दे रहे हैं। ये वाणी आहुति है, इसलिए यज्ञ संपन्न हो रहा है। इसको क्या कह रहे हैं? ज्ञान यज्ञ। और सनत कुमार श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं, द्रव्य यज्ञा, तपो यज्ञा, योग यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, लेकिन उन सब में ज्ञान यज्ञ सत्कर्म सूचक है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई ही, वो सब कर्म सूचक यज्ञ है और ये सत्कर्म सूचक है। ज्ञान यज्ञ वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है यहां। आग यहां बाहर कोई प्रज्वलित नहीं करी जाएगी, आग तुम्हारे अंदर प्रज्वलित होनी है और वाणी के द्वारा आहुति दिया जा रहा है। कभी कभी लोग कहते ना, हमने 9 कुंडी यज्ञ किया, हमने 108 कुंडी, अरे फाला जगह तो बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ था, 1008 कुंडी। तो हम भी एकदम विनोद में कहते हैं, हम तो हर महीने 2 बड़े यज्ञ करते हैं। अच्छा, कितना कुंडी? बोले जितनी मुंडी उतनी कुंडी।
हमारे यहाँ जितने बैठे ये सब हवन कुंड है और ये यज्ञ हो रहा है प्यारे, तो यज्ञ में कुछ भी हवन नहीं हो सकता। ये जलाना थोड़ी है यार, कई लोग कचरा जलाते हैं, यहां आपके पंजाब हरियाणा में नहीं पराली जलाते हैं तो फिर कितना पॉल्यूशन बढ़ता है, दिल्ली वालों को तो पता है, आप लोग उस परिस्थिति से पास होते हो, बोले सांस लेना मुश्किल हो जाता, तो पराली जलाई जाती है, वहां भी अग्नि है और हवन कुंड में भी अग्नि है, लेकिन उसमें जो आहुतियां दिया जाता है वो जलाया नहीं जाता। यज्ञ से तो वातावरण उल्टे शुद्ध होता है, यज्ञ से वातावरण पवित्र होता है, क्योंकि उसमें जो हवन किया जाता है वो सब हुत द्रव्य, कुछ भी आप नहीं डाल सकते, आप जलाने नहीं बैठे हो, आप यज्ञ करने बैठे हो। तो शुद्ध घी, वेद लक्षणा गाय माता से मिला हुआ शुद्ध घी, और शास्त्रों ने जो कही हुई है वो संविधाएं, जौ तिल इत्यादि हुत द्रव्य, और कभी पायस खीर, और इस प्रकार से अन्यान्य द्रव्यों का हवन किया जाता है उस देवता के निमित्त, ये यज्ञ है। तो यदि वहां कुछ भी नहीं हवन किया जा सकता, जो पवित्र हुत द्रव्य है वही हवन किया जा सकता है, तो यहां बैठकर कुछ भी नहीं बोला जा सकता। ये आहुतियां पड़ रही है, इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के बाद कौन सी आहुति देना, किस तरह से देना, याजक के अंदर वो विवेक होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। व्यासपीठ राग द्वेष का कुला करने के लिए नहीं है, यहां व्यर्थ किसी की निंदा और व्यर्थ किसी की स्तुति नहीं करी जाती, व्यर्थ निंदा व्यर्थ स्तुति से व्यासपीठ बचे, और स्तुति करने योग्य है उसकी स्तुति करे विवेक पूर्वक, निंदा के योग्य जो है उसकी विवेक पूर्वक निंदा। तो आहुतियां पवित्र हो, यहां से बोली जाने वाली वाणी पवित्र हो, विवेकपूर्ण हो, तब ही ज्ञान यज्ञ संपन्न हो सकता है, और ये ज्ञान यज्ञ तो उन सब यज्ञों से भी बढ़कर के है, क्योंकि ये सत्कर्म सूचक है, बाकी वाले यज्ञ कर्म सूचक है, लेकिन ये सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोबधई, ये सत्कर्म सूचक। तो पवित्र पुरुषोत्तम मास और उसमें ये ज्ञान यज्ञ भगवान के दिव्य श्री द्वारकानाथ रुक्मिणी मंदिर के सन्निधि में, और हम सब लोग गुप्ता परिवार के, भगवान ने उनको निमित्त बनाया है, ये उनका भाग्य है, उनके पूर्वजों का पुण्य है, उनका पुण्य है, और उनका भाव, फिर से मैं कहूँ, बहन अर्चना की और अनिल जी के अंदर की वो आग कि नहीं हमको तो तुरंत मिल जाए, हम तैयार। एक बात तो पक्का है कि यदि आप दिल से चाहो ना तो ऊपर वाला भी दे ही देता है।
दिल से वो प्यास उठनी चाहिए। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सब गाइए जब प्रार्थना उठती है तो निश्चित रूप से प्रभु सुनते हैं। तो जो हमने निवेदन किया कि हम कथा देते नहीं है, देता तो वो है, हम तो कथा करते सुनाते हैं। फिर उनकी जहां आज्ञा होती है और वो जहां ले जाता है बैठ जाते हैं, प्रेम से सुनाते हैं, हरि चर्चा करते हैं। आज गुप्ता परिवार के निमित्त से मुझे यहाँ कहने का, और दिल्ली वालों को, मेरे ख्याल से सुभाष जी कितने 4 साल के बाद कथा आई दिल्ली में, हैं अपने जब, हाँ 19 में करी थी ना, हाँ। ये हमारे प्रिय सुभाष जी भी इतने सालों से एकदम समर्पित है, और वो भी बहुत बड़ा आयोजन एकल विद्यालय के लिए हुआ था, उसके बाद ये कथा हो रही है। बीच में कथा होनी थी, ऑलरेडी दी हुई थी, ठीक है, हैं? हाँ फिर वो नहीं हो, जापानी गार्डन में क्या है? उस तरफ कहीं वो कथा निश्चित हुई थी और नहीं हो पाई। फिर ये बिल्कुल ऊपर वाले की इच्छा पर है। तो 4 साल के बाद फिर से एक बार दिल्ली के इस विस्तार के आप सभी भगवत कथा प्रेमी भाई बहनों के बीच में 7 दिन पर्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान की मंगलमयी कथा का गायन हो रहा है। हम सब बड़भागी हैं, आइए प्रवेश करें यात्रा में, आगे बढ़े भगवान नाम का सहारा लेते हुए। प्यार से भगवान नारायण का स्मरण करिए। ओम नमो नारायणाय नारायणाय,
श्री विशाल भगवान की, श्रीनाथजी बाबा की जय। भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए नाम संकीर्तन के साथ ये जो प्रसंग है या ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसके महत्व को समझ करके आओ इस यात्रा में आगे बढ़े। नियम ऐसा है, जिसमें भी महत्व बुद्धि होती है उसमें प्रेम होता है। जो वस्तु तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संभाल के रखोगे, यू वैल्यू इट। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, ऐसा कहते हो एंड यू लव हिम और हर, जिसमें भी महत्व बुद्धि होती है उसमें प्रेम होता है। धन में पैसे में महत्व बुद्धि हुई उसको उसके लिए प्रेम हुआ, सत्ता में महत्व बुद्धि हुई उसको उसके लिए, और जिसके लिए प्रेम है उसको प्राप्त करने की आप चेष्टा करते हैं, उसको पाना चाहते। भगवान में महत्व बुद्धि होगी तो भगवत प्राप्ति की इच्छा करोगे। पहले जानो क्या महत्व है, फिर से जानाति इच्छति करोति, यही का क्रम है। हमने भगवान के महत्व को जाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए भगवान में अनुराग होता नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। हमने मानव जीवन का महत्व नहीं समझा, इसलिए जीवन व्यर्थ बातों में खर्च हो जाता है। पैसा लोग बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में, रियल एस्टेट में, या स्टॉक मार्केट में, कि आजकल बहुत अच्छा है, 37,000 छू लिया आंकड़ा सेंसेक्स ने, 67,000 का आंकड़ा छू लिया, बहुत अच्छा है, महत्व समझ में आया। कोई कहता है कल को स्टॉक मार्केट फिर नीचे गिर सकता, गोल्ड में रोको, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट अपनी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति का लोग उसमें करते हैं जिसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़िया वाला रिटर्न दे और सेफ हो। लेकिन पैसों से भी ज्यादा कीमती तुम्हारी सांसें हैं, मानते हो कि नहीं? पैसों से भी ज्यादा कीमती है सांसें, जिंदगी की सांसें। एक समय ऐसा आता है कि जिंदगी भर की कमाई खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन तुम सांसों को फिर खरीद नहीं सकते। जो सांसें खर्च हो चुकी, जो समय बीत चुका, वापस खरीद नहीं सकते। तो सांसों को लगाकर पैसा कमाना संभव है, लेकिन पैसा खर्च कर सांसों को कमाना संभव है क्या? तो ज्यादा कीमत किसकी है? सांसों की। तो उन सांसों को कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, यह प्रश्न है। और इन्वेस्ट कर भी रहे हो कि सांसें वेस्ट हो रही है, व्यर्थ बर्बाद हो रही है,
इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, हर सांस के साथ तुम्हारी आयु कम हो रही है। याति क्षयम यौवनम, जवानी बुढ़ापे की ओर जा रही है, गए हुए दिन वापस नहीं लौटते। प्रत्यायांति गतः पुनर्न दिवसा, हिंदी गानों में भले ही हम गाएं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, लेकिन क्या वो संभव है? प्रत्यायांति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः, ये काल जगत को खा जाता है। और जिन सांसों को खर्च करके तुमने रुपया कमाया, वो लक्ष्मी, वो संपत्ति, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, पानी में उठने वाले तरंगों जैसी चपला है। और जीवन बोले विद्युत चलम जीवितम, जीवन है बिजली के चमकने जैसा। तस्मान माम शरणागतम शरणद त्वम रक्ष रक्षाधुना, तो जिंदगी की कीमत समझो, जिंदगी की ये जो सांसें हैं कितनी कीमती है समझो महत्व इसका, और फिर बुद्धि पूर्वक इसको इन्वेस्ट करो। लेट मी टेल यू, इस वक्त हम सभी लोग अपनी जिंदगी की सांसों को बहुत विचार पूर्वक, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो हम सत्संग में लगा रहे हैं। इसलिए धन्य घरी सोई जब सत्संगा, तुलसीदास जी ने लिखा, वो घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। इसलिए हे प्राणी हरि गुण गाओ, 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 हरि नाम जी का भी महात्म्य व्यास जी ने सुनाया। इसलिए कथा से पूर्व कथा का महात्म्य समझना चाहिए। आप तीर्थ में भी जाओ ना, तो उस तीर्थ का महात्म्य पहले समझना चाहिए, तो फिर तीर्थ देवों का जो दर्शन करोगे, तीर्थ में स्नान करोगे, दान करोगे, उसका फल मिलेगा। उसका महात्म्य समझो। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया गया, स्कंद पुराण में भी भागवत जी का महात्म्य, स्कंद पुराण में तीर्थों का महात्म्य, तीर्थों के विषय में स्कंद पुराण बहुत बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण में 4 अध्याय में और पद्म पुराण में 6
छह अध्याय में भागवत जी का महात्म्य है। यहां पर हम पद्म पुराण अंतर्गत छह अध्याय का महात्म्य, गत अधिक मास में 3 साल पहले जो गया, लॉकडाउन का अभी समय था, तो हमने हमारे यहाँ सांदीपनी अपने आश्रम में वहीं से श्रीहरि की सन्निधि से पूरा महीना मैंने भागवत कथा सुनाया था, 1 महीने की भागवत कथा। बहुत समय के बाद ये अवसर, क्योंकि संजोग ऐसे बन गए कि 1 महीने की भागवत कथा और हमारे संस्कार चैनल पर उसका लाइव प्रसारण हो रहा था sandipani.tv के माध्यम से, तो पूरे विश्व में लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में, वहाँ तो हम थोड़े ही जुड़े थे क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन लाखों लाखों लोगों ने 1 महीने की भागवत कथा, और उस कथा में मुझे याद है कि स्कंद पुराण अंतर्गत जो भागवत महात्म्य है उसका निरूपण किया गया था। एक एक कथा दिव्य है। पद्म पुराण अंतर्गत भागवत महात्म्य, भगवान वेद व्यास जी ने, ये कितना अच्छा है नहीं कि एक पुराण दूसरे पुराण की महिमा का गायन करे। व्यक्ति दूसरी व्यक्ति का बखान करने लायक जो काम है, गुण है, उसका बखान करे, उसकी स्तुति करे, उसकी ईर्ष्या न करे, उसकी स्तुति करे। तो एक पुराण दूसरे पुराण की स्तुति करता है, महिमा का गायन करता है। ये कितनी अच्छी बात कि पद्म पुराण भागवत, स्कंद पुराण भागवत का महिमा गायन करे। और उसका एक कारण है कि भागवत पुराण सम्राट है और राजा की स्तुति सब करते हैं। श्रीमद भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, श्रीमद् भागवत पुराण सम्राट है, तो जिस प्रकार राजा की स्तुति सब लोग करते हैं, भागवत पुराण सम्राट है, इसलिए पद्म पुराण स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ भागवत जी की महिमा का गायन करते हैं। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया। आइए हम सब मिलकर के इस श्लोक का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण को, वृंदावन बिहारी को, बांके बिहारी को, श्रीनाथ जी बाबा को प्रणाम करें। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम् नमः, श्री कृष्णाय वयम् नमः। वयम् हम सभी श्री कृष्ण को नमन करते हैं। वे श्री कृष्ण कैसे हैं, वे बांके बिहारी कैसे हैं? पहली बात, सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। ध्यान दें, 3 शब्द सत चित आनंद। सत से होना, सत्ता, सत्ता का मतलब है एग्जिस्टेंस। सत्ता का यहां पर अर्थ पावर ये नहीं होता, सत्ता एग्जिस्टेंस।
वो सदरूप है, यानी वो है परमात्मा, कोई कल्पना नहीं है, वही है। गॉड इज नॉट प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड, इट्स नॉट अ प्रोजेक्शन ऑफ अ डिवोटी। वी मेडिटेट अपॉन हिम, लेकिन ये कोई तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन नहीं है, वही है वास्तव में, और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वेद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी में और उसके कारण, उस परब्रह्म परमात्मा में ही ये संसार कल्पित है। ये कान की बुट्टी, ये झुमके, ये गले का नेकलेस, ये हाथ के कंगन, ये नाक की नथनी, वॉट एवर द ऑर्नामेंट्स, जो भी तुमने पहने हो, ये सब कल्पित है। किसमें? सोने में। ये सभी सुवर्ण के हैं अलंकार यदि, तो ये सब सुवर्ण में ही कल्पित है कि सोने के ही धातु को उस आकार में ढाला गया, वो डिजाइन बनाया गया, और अलग अलग आकार को अलग अलग नाम दिया गया कि ये नेकलेस है, कि ये बूटी है, कि ये नथनी है, कि ये कंगन है। तो सारा नाम और रूप उसी में कल्पित है, उस सुवर्ण में ही। उसी प्रकार नाम रूपात्मक ये जो जगत है वो उस परब्रह्म परमात्मा में ही कल्पित है। लेकिन ये क्या है, किसी ने पूछा तो आप ये नहीं कहोगे कि सोना है 5 तोला, यही कहोगे नेकलेस है। कोई ये कहेगा ओ वाओ 5 तोला सोना कितना अच्छा है, यही कहेंगे वाओ कितना बढ़िया नेकलेस है, कहां बनवाया, क्या बढ़िया डिजाइन है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सुवर्ण में ही सब कल्पित है। जिस प्रकार समंदर की लहरें समंदर में ही कल्पित है, जलरूप है समंदर, उसी में सब कल्पित है, उसी प्रकार परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। जो कुछ तुम अपने मन बुद्धि इंद्रियों से अनुभव कर रहे हो वो सारा उस परमात्मा में ही कल्पित है। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। आत्मा ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र कहता है ईशावास्यो ईशावास्यमिदं सर्वम, और उसी मंत्र को भागवत में अष्टम स्कंद में श्लोक के रूप में लिया गया। तो आत्मावास्यमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। क्योंकि देखो उपनिषद के मंत्रों का सबका अधिकार नहीं है, और व्यास जी ने उपनिषद के ही मंत्रों को भागवत में इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि सबका अधिकार हो जाए। जैसे कलिप संतारणोपनिषद का महामंत्र है ये, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कलिसंतारणोपनिषद का महामंत्र है। 16 नाम और 32 अक्षर का ये नाम मंत्र है। कलि के समस्त दोषों से बच सकते हो इस महामंत्र का जप करने से।
और 16 नाम 32 अक्षर वाला ये महामंत्र रोज 16 माला यदि करोगे तो श्वास श्वास पर स्मरण का फल प्राप्त होता है। हर सांस के साथ भगवान का नाम जुड़ेगा। एक दिन में 24 घंटे में हमारी सांसों की जो रिदम है तद अनुसार 21,600 बार श्वासोश्वास होती है। और इस तरह से इस महामंत्र का जप करोगे तो हर श्वास के साथ भगवान के नाम का स्मरण जुड़ेगा। लेकिन उपनिषद का मंत्र है तो सबका अधिकार नहीं। और दूसरी बात, जहां भी मंत्र की बात आती है वहां गोपनीयता आती है। जैसे मंत्र से ही शब्द बना है मंत्रणा, तो बड़े लोग जब आपस में मिलते हैं और मंत्रणा करते हैं तो सारी की सारी बात मीडिया को नहीं बताते। क्या क्या आप गए थे और सब मिले, क्या बातें हुई, मीडिया वाले पूछेंगे। हम मिले बहुत समय से, ये बस एक रेगुलर वो था, हम मिले। सारी बातें नहीं बताएंगे। हम प्रणाम करने आए थे, हम वंदन करने आए थे। तो मंत्र में भी गोपनीयता होती है, इसलिए मंत्र माइक में जोर जोर से बोल करके दीक्षा नहीं दिया जाता। एक गोपनीयता होती है, मंत्र दीक्षा की एक विधि है। क्या बताऊं साहब, जाने दो, कुछ बातें व्यासपीठ से कहने की नहीं होती, हमारे लिए भी एक मर्यादा होती है, सब कुछ यहां से नहीं कह सकते। लेकिन गोपनीयता क्यों, इसका कारण है। मैं तो कभी कभी लोग क्या कहते, ले ये मंत्र इसमें किसमें इसमें छुपाने की क्या बात है, सबको पता है इसमें छुपाने की क्या बात है, ये कांत में कान फूंकने की क्या जरूरत है, मंत्र तो सबको पता है। ऐसे प्रश्न करने वालों के लिए मेरे पास जवाब है, लेकिन वो जवाब 1-to-1 होए तो दूं, नहीं तो नहीं, यहां से नहीं कहूंगा। क्यों, यहां हर क्यों के जवाब है। Everything is so logical and still you have to remember God is not logical. The scientists say God is the most illogical thing in the world and they are right, because God is not logical, because God is beyond logic. God is not logical, God is beyond logic. तुलसीदास जी कहते ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, मन वाणी और बुद्धि से अतर्क्य है परमात्मा। लेकिन जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास तर्क है, तो तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है, इसलिए लॉजिकल आंसर्स है। लेकिन कुछ बातें मंत्रणा वाली, तो मंत्र में गोपनीयता होती है, होनी चाहिए। लेकिन चैतन्य देव ने इस महामंत्र का संकीर्तन कराया तो वो वेद मर्यादा भी बनी रहे, इसलिए उल्टा कर दिया। पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और फिर हरे राम राम राम, और सभी साधक बड़े प्रेम से जपते रहते हैं। रामचरितमानस में
भगवान राम शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, पांचवी भक्ति बतलाते हुए समझाते हुए राम जी बोले, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मम दृढ़ विश्वासा, मम दृढ़ विश्वासा, मम दृढ़ दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप, ये पांचवी भक्ति। मंत्र मननात्रायते इति, मनन करने से, रटन करने से, जप करने से जो तुम्हारी रक्षा करे, कली के अनेक दोषों से तुम्हारी रक्षा करता है, कली संतारणोपनिषद का ये महामंत्र, इसलिए इसके जप का बड़ा महत्व। तो चैतन्य देव ने, महाप्रभु ने उसको ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया ताकि सबका अधिकार हो जाए, सब जपो। उसी प्रकार भागवत में व्यास महर्षि ने उपनिषद के मंत्रों को थोड़ा परिवर्तन करके इस तरह से प्रस्तुत कर दिया कि सबका अधिकार हो जाए। इसलिए भागवत में आत्मा वास्यमिदं विश्वम, उसमें ईशा वास्यमिदं सर्वम, देखा थोड़े थोड़े शब्दों का फर्क। तो जो अपनी आत्मा में ही रमता रहता है वो अपनी आत्मा को ही सब में देखता है, और वो यही कहता है कि जल में ही ये लहर, फैन, बुदबुदे सब कल्पित है। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आ, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आ। ये सागर, ये लहरें, ये फैन, बुदबुदे, ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बुदबुदे कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं। जिस प्रकार ये सब कुछ जल में कल्पित है, उसी प्रकार ये सब कुछ परमात्मा में ही कल्पित है, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, श्री कृष्ण सत्स्वरूप है, मतलब वो है, पढ़ा लिखा इंसान बुद्धि से सोचता है तो क्वेश्चन करता है, इज देयर समथिंग लाइक गॉड। मैंने सुना है कि आइंस्टाइन ने ऐसा कहा। अब आइंस्टाइन का जो आईक्यू था क्या गजब का, लेकिन उसने ऐसा कहा कि इफ देयर इज समथिंग लाइक गॉड एंड इफ देयर इज समथिंग लाइक नेक्स्ट बर्थ, रीबर्थ, आई वुड आस्क
दैट गॉड, कि यदि मेरा दूसरा जन्म है तो नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में मुझे इतनी ज्यादा बुद्धि मत देना। बहुत ज्यादा बुद्धि भी परेशान करती है। आवश्यकता से अधिक, सब लोग कहते हैं कि ये बुद्धि की जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, वो हम पूरी पूरी यूज नहीं करते, नहीं कर पाते। अच्छा है, पागल हो जाओगे? जितनी जरूरत है उतनी खोलो। आपके स्मार्टफोन में भी सब मेमोरी कहाँ आप यूज करते हो, और जितनी अंदर फीचर्स है सबको कहाँ यूज कर पाते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्मार्टफोन जिसके हाथ में है वो बुद्धू होता है, कि स्मार्टफोन यूज करना आता नहीं हमको, हम लोग बुद्धू होते हैं। और स्मार्टफोन, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, चैट जीपीटी कहाँ पहुंचेगी दुनिया पता नहीं, और रोबोट्स आ रहे हैं। और अब मानवों के मन में ये चिंता है, जिन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खूब काम किया है, अब वो लोग कह रहे हैं कि प्लीज डोंट गो अहेड, इट इज वेरी डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी। तो भाई तूने शुरू क्यों किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को ओवरपावर कर सकता है, और खतरा ह्यूमैनिटी के लिए बन सकता है, पूरी मानवता के लिए। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग, रोबोट लेडी थी, रोबोट लेडी। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मजा। तो उससे पूछा गया कि तुम लोगों के पास तो एवरेज ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ताकत है ना? यस वी हैव, बट आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग का ही क्रिएशन है। दैट्स ट्रू, लेकिन हम लोग जितनी गिनती करते हैं उससे तो कई गुना फास्ट आप लोग गिनती करके जवाब दे देते हो, जो भी पूछो जवाब दे देते हो। यस दैट्स ट्रू। तो कभी न कभी आप लोग हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाओगे? और आप में और हमारे में क्या फर्क है? आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप ये कहती हो कि आफ्टर ऑल ह्यूमन नहीं, मनुष्य नहीं हमको बनाया है, दैट्स ट्रू। लेकिन जिसने आपको बनाया है उसी को आप खत्म कर दोगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो रोबोट लेडी ने जवाब दिया, उसने पूछा कि क्या फर्क है ह्यूमन बीइंग में और आप में। तो उसने कहा कि हम आप ही का क्रिएशन है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमारे पास नहीं है। क्या? वी डोंट हैव सॉल। हमारे पास आत्मा नहीं। पता नहीं आने वाले 10 साल में दुनिया कैसी होगी, वी डोंट नो। द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, और ऐसे में हम ये चर्चा कर रहे हैं आध्यात्मिक, क्यों? जरूरत पड़ने वाली है आने वाले सालों में, और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसकी। इसका आश्रय करोगे तो ही बचोगे। प्रचंड वेग प्रवाह, और हम बहे जा रहे हो, तब कोई आधार जिस तरह से मिल जाए, उस तरह का ये आधार है श्रीमद् भागवत, उस तरह का आधार है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, तब आधार है हमारी ये आध्यात्मिकता।
धीरे 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 मन बहुत विक्षिप्त होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा बुद्धि है उतना ही ज्यादा तनाव, डिप्रेशन, हताशा, मन की विक्षिप्तता, बहुत सारे मानसिक रोगों का सामना करना पड़ेगा मानवता को आने वाले सालों में। सच्चिदानंद रूपाय, वो है, लोग बुद्धि के तर्क से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या क्या साबिती है, क्या प्रमाण है कि ईश्वर है। मैं कनाडा में था और हम ड्राइव कर रहे थे, मैं ऐसे कुछ पढ़ने में आ जाए, देखने में आ जाए तो याद रह जाता। तो एक चर्च के पास से कार जा रही थी, तो कई ऐसे चर्च है वहाँ कि वहाँ बाहर बोर्ड पे अच्छे सूत्र लिखे मिलते हैं, तो उसमें एक सूत्र मैंने पढ़ा, लिखा था परमात्मा कह रहा है, I do not question your existence, God. God says, I do not question your existence. परमात्मा हम मनुष्यों के होने को लेकर कोई शंका नहीं करता। हम मनुष्यों को परमात्मा के होने पर शंका हो सकती। There are so many. And they are non-believers. और आपको शायद पता होगा कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस है संख्या की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर इस्लाम है संख्या की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पर हिंदुइज्म था, अब नहीं है, अब तीसरे नंबर पर है नॉन बिलीवर्स, नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि वो फिर दूसरे और फिर पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। जितनी बुद्धि बढ़ेगी, जितना तर्क बढ़ेगा, बुद्धि बहुत अच्छी चीज है, ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, लेकिन वो ब्रह्मा जी भी भगवान के सेवक है। जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, वो परम सत्ता, इसलिए अब साइंटिस्ट भी जब भगवान जैसी किसी शक्ति के विषय में बात करनी हो तो गॉड शब्द का उपयोग तो कर सकते नहीं, करने में तकलीफ है, इसलिए द सुप्रीम रियलिटी, चलो बिना नाम लिए भी चर्चा तो करने लगे। जगत में विज्ञान के द्वारा प्रयोग है और गॉड पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, वो कैसे हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय, उसका स्वरूप क्या, विज्ञान जानता है एटम का स्वरूप क्या है, जान लिया, वो क्या कर सकता है, कौन सी ताकत है, एक परमाणु में विज्ञान ने प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाया, और सब कुछ एनर्जी ही है, देयर इज एनर्जी एंड नथिंग बट एनर्जी, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स फॉर्म ओनली, न तो ये उत्पन्न करी जा सकती है, न तो ये मिटाई जा सकती है, ये एनर्जी केवल अपना रूप बदलती रहती है, ये विज्ञान कह रहा है। E is equal to MC square, सब कुछ उस एनर्जी का ही रूप है। हमारे वेद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अभी विज्ञान जिस एनर्जी की बात करता है वो प्रकृति के अंतर्गत है, और
परमात्मा प्रकृति का स्वामी है, प्रकृति उसके अधीन है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अष्टधा प्रकृति है और हमारे श्री कृष्ण 16108 नारी के स्वामी हैं। उसमें 16100 का तो एक साथ पाणी ग्रहण किया, भागवत की कथा के अनुसार भौमासुर का उद्धार किया, भौमासुर ने कैद करी हुई 16100 कन्याओं को भगवान ने छुड़ाया, वो सब भगवान को बरी, वो 16100 और 8 उसके पहले विवाह हुए वो अष्ट पट्ट महिषी है, 8 पटरानियां। वो क्या है? ये अष्टधा प्रकृति ही भगवान की पटरानियां। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान प्रकृति के स्वामी है। और 16100 क्या है? वेदों के उपासना कांड की श्रुतियां। एक एक कथा का तात्पर्य आचार्यों ने समझाया है। जीव प्रकृति के अधीन है लेकिन प्रकृति पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। सच्चिदानंद रूपाय, श्री कृष्ण सत्स्वरूप है, मतलब वो है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं कथा में कहा करता हूं कि वो समंदर की मछली ने समंदर के पानी में यूं 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 कुदकते हुए आगे बढ़ते हुए, बगल में दूसरी मछली भी साथ साथ चल रही थी तैरती हुई अंदर, एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा, बहन तूने समंदर देखा क्या? ये समंदर कैसा होता है? कहाँ होता है? दो आदमी चौपाटी पर आए थे, बातें कर रहे थे। एक कह रहा था मुझे समंदर बहुत प्यारा है, बहुत बखान कर रहा था। मेरे मन में भी ये आया कि चलो समंदर को देखें। तूने देखा है क्या? ये समंदर कहाँ है, कैसा है? उस मछली को कौन समझावे कि तू जिसमें जी रही है, तू जिसके चलते जी रही है, तेरा अस्तित्व जिसके चलते है, वो समंदर ही तो है। हमारा प्रश्न भी ऐसा ही है, जब हम पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, वो कैसा है? ये तुम्हारी सांसों को कौन चला रहा है? ये कौन भीतर से पूछ रहा है? ये प्रश्न कहां से उठा? वो कौन है? इसलिए को हम कस्त्वम, को हम कुत आयात, कामे जननी को मे तात, इति परिभावय सर्वम सारम, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रविकरणे। सच्चिदानंद रूपाय, वह श्री कृष्ण सदरूप है, वह श्री कृष्ण चिदरूप है। बिना चिद के ये सत जड़ हो जाएगा। यह सत, यह अस्तित्व जड़ नहीं है। हम स्कूल में पढ़ते थे तब एक पाठ आता था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून जड़ है, हाँ जड़ है तो बढ़ते क्यों है? जड़ वस्तु बढ़ नहीं सकती, तो नाखून चैतन्य है, सजीव है, तो काटते हो तो क्यों पीड़ा नहीं होती? बाल जड़ है तो बढ़ते क्यों है? सजीव है तो काटे जाते हैं तो क्यों पीड़ा नहीं होती? पैर क्यों बढ़ते हैं? और वनस्पति में भी जीव है, यह दुनिया को बताने वाला भारत का वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। एंड लेट मी टेल यू, ये भागवत में लिखा है,
दशविध सृष्टि का जहां वर्णन है भागवत में, वहां यह चर्चा है। आई डोंट नो वेदर जगदीश चंद्र बोस इन्होंने भागवत पढ़ी थी कि नहीं। इट इज देयर। इसलिए मैंने आपसे कहा मैं जरा अलग ढंग से भागवत सुनाने वाला हूं, क्योंकि जेंट्री ऐसी है। मैं समझता हूं कि ये लोग समझ पाएंगे। भागवत मतलब कि केवल कृष्ण के माखन चुराने की कथा नहीं, केवल गोपियों के साथ रास रचाने की कथा नहीं, केवल वामन भगवान का बलि राजा के यहां जाना या स्तंभ फाड़ कर नरसिंह का प्रकट होना। हमारे यहां फिर कभी कभी झांकियां बनाई जाती है स्टेज पर और थर्मोकोल के बनाए जाते हैं खंबे, और सामने प्रहलाद का स्वरूप हिरण्यकशिपु, और फिर जब कथा में वो थर्मोकोल के स्तंभ को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो हम भक्तों को बड़ा आनंद आता है। झांकी करना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी सोचा कि इस तरह से खंभा फाड़ करके भगवान का प्रकट होना, व्हाट डज दैट मीन? ये कथाएं गलत नहीं है। कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार व्यास भगवान ने पूरा रहस्य समझाया, श्रीमद् भागवत की समाधि भाषा है, रहस्य में लपेट कर हर कहानी हर कथा का एक रहस्य है, एक मर्म है, एक विज्ञान है हर कथा में। बिना चिद के सत जड़ हो जाएगा, इसलिए सत के साथ साथ चिद, और तीसरी बात आनंद। सत भी है चिद भी है, लेकिन आनंद ये ना हो तो सब फीका फीका। ये आनंद के चलते ही इमोशंस है। सत माय फिजिकल बॉडी वो सत रूप है क्योंकि एग्जिस्टेंस है इस शरीर का। चिद मेरे भीतर चैतन्य है, मैं जिंदा हूं इसलिए मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं। लेकिन आनंद, एंड दैट्स व्हाई आई हैव माय फीलिंग्स माय इमोशंस, उसका संबंध आनंद के साथ। तो सत का संबंध है एक्शंस के साथ, चिद का संबंध है हमारा थॉट प्रोसेस। चिद का एक अर्थ ज्ञान भी करेंगे, चिद चैतन्य और आनंद इमोशंस। तो सत एक्शंस, चिद थॉट्स, आनंद इमोशंस। वी लिव इन अवर एक्शंस, वी लिव इन अवर थॉट्स, वी लिव इन अवर इमोशंस, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एक्शंस थॉट्स इमोशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज अवर कैरेक्टर। इसलिए ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीन मार्ग बताए। गीता में भी इन तीनों की ही बात है, ज्ञान भक्ति कर्म। पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही श्री कृष्ण परब्रह्म, वही इस विश्व की अनंतानंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, धारण करते हैं अपने भीतर, चलाते हैं, और एक समय आता है तो सब कुछ समेट लेते हैं भीतर, अपने ही भीतर। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सबके त्रिविध ताप दुख को मिटाने के लिए, नाश नहीं उसका विनाश करने के लिए, याने मूल समेत उसको मिटाने के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः। अहम नहीं, आवाम नहीं, वयम
जैसे अंग्रेजी में सिंगुलर एंड प्लूरल दो ही है, हिंदी में एक वचन बहुवचन है, लेकिन संस्कृत में तीन बनते हैं रूप, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो अहम आवाम मैं, हम दो, और वयम हम सब, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते, इस तरह से रूप बनेंगे। तो यहां लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। आओ भगवान को नमस्कार के साथ आज के इस सत्संग को विराम दे रहे हैं। समय हो गया, कहां समय पूरा हो जाता है पता नहीं चलता, ये चर्चा ही ऐसी है। हम कथा को विराम देते हैं, कल पुनः अपराह्न समय में इसी तरह से समय पर उपस्थित होकर के हम सब श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन करके और भागवती यात्रा आगे बढ़ाएंगे भाव और प्यार से। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, गाइए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हो राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे श्याम
राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की भगवत चर्चा को यहाँ विराम। कल पुनः 3:30 बजे से यात्रा आगे बढ़ेगी। भाव और प्यार से आइए, जय घोष करें। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अधिक पुरुषोत्तम मास की इस पावन बेला पर श्रीमद् भागवत की बहुत ही सुंदर चर्चा पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हुई, लेकिन आज का दिन एक और तरीके से भी महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदुस्तान के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे की आज जन्म जयंती भी है। 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगराव गांव में जन्मे मंगल पांडे ने 34वीं हिंदुस्तान बटालियन में सबसे पहला विद्रोह किया था। कैफी आजमी साहब की इन दो पंक्तियों के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूं में नहाती नहीं। बांध लो आज सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन शब्दों के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा आरती के लिए यजमान परिवार, अर्चना बहन जी और अनिल गुप्ता जी परिवार, और श्री पीयूष गोयल जी, कैलाश अग्रवाल जी, सुभाष जी और श्रीमती शांति बहन, जगदीश जी, अनीता जी और प्रेम अमर जी, विनीत जी और उमा बेरीवाल जी और साधुराम बंसल जी। इन सबको यहाँ आरती के लिए उपस्थित होने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। आरती होगी, फिर कल फिर समय पे कथा शुरू होगी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते। जलेन शीतले करणम् पुष्पैः देवाभिवंदनम् हस्ताभ्यां देवाभिवंदनम् स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवंदनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलिः। ओम जगनेन जगनमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न देहनाकं महिमानः
सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीभागवत भगवान् की जय। श्रीकृष्ण कन्हैया लाल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती वदय हर हर महादेव हरि ओम। कथा श्रवण करने हेतु पधारे सभी भक्त जनों के लिए मनोरथी परिवार गुप्ता परिवार की ओर से प्रसाद की व्यवस्था की गई है। जिनके पास ग्रीन और येलो बैंड है उनके प्रसाद की व्यवस्था इस मंच की बाईं ओर की गई है और बाकी भक्तों के लिए उस स्टॉल के पीछे की तरफ प्रसाद की व्यवस्था है। गुप्ता परिवार की ओर से आप सबको सादर आग्रह सबर निवेदन है कि आप सब लोग प्रसाद लेकर ही जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हे हरि भाई, आप सबसे निवेदन है दर्शन करने हेतु आप तब तक ऊपर नहीं आएंगे जब तक पूज्य गुरुदेव इस मंच को छोड़ के न जाए, तब तक आप दर्शन करने हेतु ऊपर नहीं पधारे। हे हरि हे हरि हे हरि हे श्री हरि श्री हरि श्री हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि वो। Thank you.